स्पाइडर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज का मोटिवेशनल कोड सिर्फ आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा इसे कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं ना, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि टेस्टी बेबी क्या होता है और सरोगेट मदर क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्लास सिर्फ पढ़ने वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। तो स्वागत करते हैं, आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज का। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये मैंने क्या बता दिया, ये बना दिया मैंने, ये मानव जनन तंत्र का मैंने फिगर बना दिया। ये क्या योनि है जिसको वजीना बोलते हैं, ये ग्रीवा है, ये गर्भाशय बीच में होता है, ये अंडाशय है और ये अंडाणु यहीं पर बनता है, ठीक है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। तो ध्यान समझिएगा, जब है ना योनि के रास्ते, वजाइना के रास्ते जब स्पर्म एंट्री करता है, डिस्चार्ज होता है, तो ये 7 ml डिस्चार्ज होता है। कितना ml होता है? 7 ml डिस्चार्ज होता है। और 7 ml में शुक्राणु की संख्या जानते कितना होता है? ये होता है 10 से 20 लाख। 10 से 20 लाख जो है ना शुक्राणु की संख्या होती है। एक बार जब डिस्चार्ज होता है शुक्राणु ना स्पर्म, जो डिस्चार्ज होता है योनि में, योनि के रास्ते जो गर्भाशय में डिस्चार्ज होता है, ये 7 ml होता है। तो कोई कोई पुरुषों में जानते हैं क्या होता है, कोई कोई पुरुषों में ये 7 ml से, 7 ml से कम स्पर्म बनता है, कम स्पर्म बनता है। कम स्पर्म बनेगा तो ये आपका है ना, कम स्पर्म बनेगा तो ये आपका इधर ख़त्म हो जाता है, कुछ ऊपर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। 7 ml होना ही जरूरी है, क्योंकि कुछ तो ऊपर जाता है, कुछ लेफ्ट साइड जाता है तो ख़त्म हो जाता है, कुछ अगर ऊपर जाता है तो ख़त्म हो जाता है। मतलब जिधर में, जिधर अंडाणु का निर्माण हुआ है, फिलिपिन ट्यूब में जिधर अंडाणु का स्थिति है, वहीं पर जाकर कंडिसेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। मतलब जितने इधर जाते हैं उधर जाते हैं सब समाप्त हो जाते हैं, टोटल के टोटल, ठीक है। तो कभी कभी पुरुषों में देखा जाता है कि ये 7 ml से शुक्राणु कम बनते हैं, तो ये भी बच्चे नहीं पैदा होने की यहाँ पर संभावना है। अब ध्यान समझिएगा कि एक तो ये कारण हो गया, एक कारण है कि जब ये शुक्राणु होता है पुरुष में, शुक्राणु होता है तो ये पूछवे नहीं बनता है, किसी किसी में ये पूछवे नहीं बनता है। तो पूछवे नहीं बनता है, इसमें क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यही क्या करता है, यही जो पूछ है ना इसका, यही जो पूछ है इसका ऊपर की ओर इसको ढकेलता है, ऊपर की ओर ढकेलता है, तब जाकर के ये यहाँ पर फिलिपिन ट्यूब में जाकर निषेचन करता है। तो ऊपर ढकलाइबे नहीं करेगा तो निषेचन कहाँ से करेगा ये, ठीक है। तो ये किसी किसी में आपका, ये आपका नहीं होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो दो कारण है पुरुषों में मतलब बच्चा नहीं होने के। पहला कारण क्या था कि 7 ml से शुक्राणु का कम निर्माण होना, और दूसरा कारण जो क्या था, ये जो था आपका ये पूंछ का निर्माण शुक्राणु में नहीं होना। ये तो थी पुरुषों की कमी है ना बच्चा नहीं होने के लिए। अब ये महिलाओं में समझते हैं, महिलाओं में भी कुछ कमियां होती हैं। महिलाओं में क्या होती है, तो ये जो क्या है, अंडाशय है, अंडाशय है, यहाँ पर अंडाणु बनबे नहीं करता, किसी किसी महिला में अंडाणु बनबे नहीं करता है। और अंडाणु बनता भी है तो बहुत कम मात्रा में बनता है, बहुत कम मात्रा में बनेगा तो भी बच्चे होने की संभावना बहुत कम है। और किसी किसी में क्या होती है, फिलिपिन टिबुआ देख रहे हैं ना, ये बहुत पतला होता है, इतना पतला होता है कि शुक्राणु जाएगा तो यहाँ से एंट्री कर ही नहीं पाएगा, मतलब एंट्री नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं तो निषेचन होगा ही नहीं, और निषेचन नहीं होगा तो बच्चा होगा ही नहीं, प्रेगनेंट वो महिला हो भी नहीं करेगी। इसलिए इसको मतलब कहा जाता है कि महिलाओं में भी कुछ विसंगतियाँ होती है, कुछ कमी होती है, और पुरुषों में भी कुछ क्या होते हैं, कमी होती है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, इस स्थिति में करना ये होता है, जब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है, डॉक्टर पुरुषों का मास्टरबेशन के द्वारा कुछ स्पर्म जो है निकाल करके एक क्या परखनली में, एक परखनली होता है उसमें है ना पुरुषों का जो है शुक्राणु को, एक स्पर्म को यहाँ पर रख लेता है डॉक्टर निकाल करके, सिर्फ किसका, पुरुषों का है ना। अब क्या करता है डॉक्टर, एक उसका जो पाइप होता है योनि के रास्ते डालता है, गर्भाशय रास्ते डालता है, और जहाँ पर अंडाणु होता है, अंडाणु को निकालता है। निकालने के बाद यहाँ पर इसको बाहर रखता है परखनली में रखने के बाद है ना उसका निषेचन करवाता है। जब हो जाता है तो उसको उठा करके कहाँ रखता है, गर्भाशय में रखता है। अब जो बच्चा जन्म लेगा उसको बोलते हैं टेस्टी बेबी बोलते हैं या परखनली बेबी बोलते हैं, उसको टेस्टी
नली बेबी बोलते हैं या फिर परख नली बेबी बोलते हैं, इसी को परख नली बेबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो परखनली बेबी और टेस्टी बेबी किसे कहते हैं? वैसा बच्चा जिसका फर्टिलाइजेशन मतलब कि मादा के महिला के फेलोपियन ट्यूब में ना हो करके बाहर डॉक्टर के द्वारा किसी परखनली में कराया जाता है और फिर उसको उठा करके उसी महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है, तो जो बच्चा जन्म लेता है उसको बोलते हैं टेस्टी बेबी या फिर परखनली बेबी बोलते हैं। तो ये तो थी परखनली बेबी टेस्टी बेबी की कहानी। अब हम लोग चलते हैं सरोगेट मदर पर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर क्या होता है कि भारत में जितने भी आपके हीरोइने हैं या फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने शरीर को है ना ठीक ठाक रखना चाहती है, अपने शरीर को अपनी सुंदरता को कायम रखना चाहती है, तो वो क्या करती है अपने अंडाणु डॉक्टर से वो निकलवा लेती है। ठीक है, अंडाणु निकलवा लेती है और निकलवा करके एक परखनली में रखवा लेती है और अपने हस्बैंड के जो स्पर्म है उसको भी निकलवा करके दोनों को बाहर में इसी तरह से निषेचन करवा दिया जाता है। इसी तरह से निषेचन हो जाता है। अब वो ध्यान दीजिए, जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो क्या करती है, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके अपने गर्भ में नहीं रखती है, क्योंकि इसके गर्भ में रहेगा तो इसकी सुंदरता खराब हो जाएगा। जो भी महिला के गर्भ में अगर शिशु पलेगा तो उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी। इसलिए वो क्या करती है महिला, ये जो महिला क्या करती है, तो एक गरीब महिला को पकड़ती है, वैसी महिला को पकड़ती है जो इसके बच्चे को अपने 9 महीने गर्भ में रख करके जन्म दे सके, है ना। जो ऐसी महिला को ही, जिस महिला को पकड़ा गया है उसी महिला को सरोगेट मदर कहते हैं। सरोगेट मदर किसे कहते हैं? तो सरोगेट मदर जो है जिस महिला को पकड़ी गई है ना, उसके गर्भ में जो है 9 महीना बच्चा रहता है, उसके बाद जो बच्चा जन्म लेता है तो वैसी माँ को क्या बोला जाएगा? वैसी माँ को सरोगेट मदर बोला जाएगा। अब इस कंडीशन में ध्यान समझिएगा, सरोगेट मदर में वो फिर बच्चे को जन्म देती है और बहुत सी महिलाओं में इस तरह से होता है कि ये क्या करती है, जब भी किसी महिला को अगर ये अगर अपॉर्चुनिटी अवसर दिया जाता है तो जो इसकी असली माँ जो है तो वो क्या करती है, इसको पूरी तरह से ख्याल रखती है। इसको बोलती है कि तुम मेरे बच्चों को 9 महीने अपने गर्भ में रखो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा, है ना, अच्छे अच्छे खाने पीने दूँगा और साथ ही साथ तुम जब मेरे बच्चों को जन्म दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा, है ना। तो महिलाएं राजी भी जाती हैं। इसमें बहुत सारी गलतियां ये भी है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें ये आती है कि बहुत सारे है ना अभी भी ऐसी महिलाएं हैं कि गर्भ में अपने शिशु को जब जन्म देती है, प्रसव जो होता है, तो बहुत सारी महिलाएं मर जाती है। तो ये यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। और भी दिक्कतें आती हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा, मान लीजिए सरोगेट मदर जो है किसी बच्चे को जन्म दी, मतलब किसके बच्चे को, जिसकी माँ पहले किसी को है ना इसी को दी है अपने बच्चे को पालने के लिए, मान लीजिए बच्चे को जन्म दी और बच्चा विकलांग निकल गया तो ये क्या कर सकती है, मैं जो असली माँ जो है इसको लेने से मना भी कर सकती है, क्योंकि ये जो है सरोगेट मदर का जो ये कानून है ना, हमारे भारत में बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया में सरोगेट मदर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उड़ीसा में है, है ना। और मान लीजिए कि ये जो है आपका, कि अगर सरोगेट मदर से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, अगर ज्योतिषी ने कह दिया कि ये आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये जो सरोगेट मदर भी नहीं देगी, तो यहाँ तक कि ये परेशानियाँ देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ सरोगेट मदर क्या और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले फिर वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग कल देखेंगे नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है और अगर ऑपरेशन से होता है तो कैसे होता है, कल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।